हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट एंड अपने इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13 ए से क्वेश्चन नंबर 9। टाइम एंड वर्क चैप्टर है फ्रेंड्स। गिवन अ क्वेश्चन में ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। दे बिगेन टुगेदर एंड वर्कड एट इट फॉर 6 डेज। देन ए फेल इल एंड बी हैड टू कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कम्प्लीटेड। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक स्टेप क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। मीन्स टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 14 डेज। ओके, ये गिवन है। देन हमने यहाँ से फाइंड क्या किया है, ए का एक दिन का काम ए इज़ वन डेज वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 1/14। नेक्स्ट गिवन है टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 21 डेज। ओके, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है बी का एक दिन का काम जो कि हो जाएगा 1/21। अब हमने ये दोनों का यूज़ करते हुए ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल लिया है। क्या हो जाएगा, दोनों का एक एक दिन का काम हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 1/14 प्लस 1/21। 14 21 का एलसीएम होता है 42। इसको सॉल्व करेंगे 14 3 जा 42 प्लस में आ गया 21 2 जा 42। मीन्स 3 + 2 इज इक्वल टू 5/42। ये हो गया ए प्लस बी का एक दिन का वर्क। मीन्स ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में वो 5/42 काम को करेंगे। अब ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं तो हम ए और बी का 6 दिन का काम निकाल लेंगे। ओके, जो कि हो जाएगा 6 × 5/42 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5/7। मीन्स ए और बी 6 दिनों में कितना काम करते हैं, 5/7। देन रिमेनिंग वर्क हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे जो कि हो जाएगा 1 - 5/7। इसको सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7 - 5/7 इज इक्वल टू 2/7। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 2/7, जिसको बी अकेले करेगा क्योंकि ए जो है वो बीमार हो गया है। सो टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बी को कितना टाइम लगेगा इस वर्क को फिनिश करने में, वर्क अपॉन में बी का वन डे का वर्क। हम डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में से बी का एक दिन का काम डिवाइड करेंगे, देन हमें मिल जाएगा कि बी उस बचे हुए काम को कितने दिनों में कर पाएगा। मीन्स 2/7 / 1/21। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड यहाँ से रिमूव हो गए, मल्टीप्लिकेशन आएगा और यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स 2/7 × 21/1 7 1 जा 7 7 3 जा 21 2 × 3 = 6 डेज। मीन्स ये जो रिमेनिंग वर्क था इसको बी अकेले 6 डेज में कर लेगा। अब हमें फाइंड करना था कि टोटल टाइम कितना लग रहा है काम को फिनिश होने में। तो 6 दिन पहले यहाँ ए और बी एक साथ काम कर चुके हैं तो 6 दिन ये हो गया और प्लस 6 दिन बी को लग रहा है बचे हुए काम को फिनिश करने में। मीन्स 6 + 6 डेज इज इक्वल टू 12 डेज। मीन्स द वर्क वॉज कम्प्लीटेड इन 12 डेज। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।